हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आप सबको खिचड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और आप आज हम आपको दिखाएंगे अपना खिचड़ी के दिन का रूटीन। आप देख सकते हैं ये जो सारे प्लेट दिख रहे हैं, इसमें हमने खिचड़ी रखा हुआ है चूने के लिए। और ये खिचड़ी हम बनाएंगे, इसको पहले भगवान जी के सामने रखते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। 6 प्लेट हमने निकाल लिया है, हम लोग 6 लोग हैं, 6 मेंबर। और ये फिर हम लोग तिल का लड्डू, सफ़ेद और काला, और ये लैया वाला लड्डू, इसको हम लोग खाएंगे नहाने के बाद, फिर हम लोग खिचड़ी छूने के बाद। और आइए हम आपकी अपनी खाने की रूटीन शेयर करते हैं। सबसे पहले हम मसाला चला लेते हैं, उसमें लहसुन, अदरक और जीरा, ये हम खिचड़ी के लिए अलग पीस के रखेंगे पेस्ट बना के। इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। खिचड़ी हम लोग नवे चावल का हमेशा बनाते हैं, इससे वो थोड़ा मतलब थोड़ा लसा होता है खाने में। अब इसमें हम सब्जी का मसाला फिर से उसी जार में हम पीस के रख लेंगे। ये हमारा खिचड़ी का मसाला तैयार है, इसको हम सब्जी के लिए यूज करेंगे। खिचड़ी के साथ हम सब्जी भी बनाते हैं। इसमें हमने गरम मसाले और प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीस लिया है। ये हमने दही जमाया है, दही में थोड़ा सा 10% और वो रह गया है, जब तक खाना हमारा बना तब तक दही जम के तैयार हो गया था कैसरोल में। सर्दियों के सीजन में आप हमेशा कैसरोल में दही जमाएं, बहुत ही अच्छा दही जमता है। अभी इधर हमने कुकर रख दिया है। सबसे पहले हम आलू गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे, जो आप अगर चाहें तो बनाएं, नहीं तो आप खिचड़ी में डाल के ही साथ में बना सकते हैं। ये हमने सूखे मसाले पहले निकाल लिए हैं और इधर हमने कुकर रख दिया गर्म होने के लिए। कुकर में हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। पहले गोभी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मटर डाल देंगे साथ के साथ, मटर भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं मटर का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे, सभी सब्जियां एक साथ फ्राई हो जाएंगी। उधर हमने मटर रख दिया है कढ़ाई में भूनने के लिए, वो मटर हम खिचड़ी में डालेंगे, उससे थोड़ा सा सोंधा सोंधा टेस्ट आने लगता है खिचड़ी का। साथ के साथ हम मटर को चलाते जाएंगे। इधर सब्जियां हमारी अच्छे से भून गई हैं, मटर भी हमारा हो गया है। अब इसे हम कुकर से निकाल लेंगे, कुकर में फिर से तेल डालेंगे। तेल डाल के हम तेजपत्ता और हींग का तड़का देंगे और प्याज डाल देंगे उसमें। हम प्याज को हम अच्छे से भूनने देंगे। प्याज हमारा भून रहा है, प्याज हमारा भून चुका है। इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, सूखे मसाले डालने से कलर इसका अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम पेस्ट डाल देंगे मसालों का और इसे अच्छे से हम 5-7 मिनट भून लेंगे। आप भी बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ खिचड़ी कैसे मनाई जाती है। हम लोग के वहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है खिचड़ी, और यही हम लोग का उसमें खिचड़ी और सब्जी यही बनता है। इसके साथ हम लोग बहुत अच्छे से मेजर लगा के खाते हैं। और ये चावल जो खिचड़ी का हम रखे थे भगवान जी के सामने, वो उठा लाए हैं, क्योंकि अब हमें खिचड़ी बनाने की तैयारी करनी है। तो चावल को हम भिगो देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हमारा मसाला भून रहा है। इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं।
मसाला नीचे चिपक रहा है, क्योंकि अगर हम कुकर में कुछ फ्राई कर देते हैं तो उससे जो है मसाले चिपकने लगते हैं बाद में। अब हम सब्जियों को डाल देंगे, मसाला भुन गया है, सब्जी हमारी काफ़ी टेस्टी बनी थी। पानी अब अपने हिसाब से ऐड करिए उसमें जितना खाना है, हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये हमारे खिचड़ी के दिन का रूटीन है, आप लोग ज़रूर इसे पसंद करिएगा, शेयर करिएगा। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, अब हम जो है खिचड़ी के लिए बड़े कुकर में पानी रख देंगे। कुकर में ही हम खिचड़ी बनाएंगे, आप चाहे तो भगोने में भी बना सकते हैं। मेरा कुकर 5 लीटर का है। हमारे यहाँ एक दो मेहमान भी आए थे, इनवाइट थे खिचड़ी के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हम हल्दी, नमक, हींग और जो पेस्ट हमने बनाया है वो सभी को डाल देंगे। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, चावल डाल देंगे हम इसमें, चावल डालने के बाद कुकर को हम बंद कर देते हैं। 2-3 सीटी आने पे खिचड़ी हमारी हो गई थी। अब इसको हमने जीरा हींग से फ्राई कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो घी से फ्राई करिए, नहीं तो तेल से, जैसे भी आपको पसंद हो। खिचड़ी हमारी हो गई है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बना था, आप भी इसी तरह से बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। खिचड़ी जब भी बनाएं तो नए चावल का बनाएं, कभी भी पुराने चावल का ना बनाएं, नहीं तो अच्छा नहीं बनता। ये हम गाय के लिए निकालते हैं, इसको हम लोग अग्रासन बोलते हैं। अब सब लोग खाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने मूली और नींबू, दही सब चीज़ रख लिया है। अब हम चलते हैं थाली लगाने। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं हम अपने बेटे की थाली लगा दिए हैं, वो दही नहीं खाता इसलिए हम उसमें दही नहीं रखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद फैमिली।